डंकी को दिसंबर में रिलीज करके शाहरुख खान कर रहे हैं बड़ी गलती, हो सकते हैं फेल। शाहरुख का ये रिकॉर्ड डंकी के लिए बड़ा खतरा, बॉलीवुड के बाद शाह दिसंबर में क्यों है फेल। अगर इतिहास बना वर्तमान तो टूट जाएगा हैट्रिक का रिकॉर्ड, फ्लॉप फिल्में बता रही है सच्चाई। पठान से धमाल और जवान से कमाल दिखाकर बॉलीवुड के बादशाह ने अपनी गद्दी को और मजबूत कर लिया। दुनिया भर में इन दोनों फिल्मों ने मिलकर काफी गदर मचाया और अब डंकी की बारी है। लेकिन शाहरुख खान के 31 साल के धमाकेदार करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है जो कोई भी स्टार अपने नाम नहीं करना चाहेगा। दिसंबर वाला ये रिकॉर्ड जैसे डंकी के लिए खतरा बन रहा है। जान लीजिए क्या है वो रिकॉर्ड जिसे कोई भी अपने नाम नहीं करना चाहेगा, और ये रिकॉर्ड आज भी इतिहास का एक काला पन्ना बनकर शाहरुख खान की हिस्ट्री में शुमार हो गया है। कहानी शुरू होती है साल 1992 में। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में एंट्री ली और 31 साल बाद बादशाह ने अपने तख्त को इतना मजबूत कर लिया जिस तक पहुंचना कई बड़े बड़े सुपरस्टार के बस में नहीं है। इन 31 सालों के धमाकेदार करियर में कई ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट, हिट, सेमी हिट और फ्लॉप फिल्में शाहरुख खान की झोली से निकली। लेकिन साल 2023 अब तक किंग खान के ही नाम रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पठान का धमाल और जवान का कमाल। लेकिन इन 31 सालों में सब कुछ बदला। जो नहीं बदला वो था शाहरुख खान का दिसंबर वाला रिकॉर्ड, जिसकी शुरुआत तो शानदार ही रही थी। लेकिन तब से लेकर अब तक यानी कि लगभग 30 सालों से एक चीज के लिए शाहरुख तरस रहे हैं, जो डंकी के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। शाहरुख खान की डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है, जिसके लिए महज 14 दिन बाकी हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, जिसमें शाहरुख खान हार्डी बनकर अलग अलग लुक्स से फैन का दिल जीतने में कामयाब रहे। लेकिन पठान और जवान की तरह ही हार्डी भी दुनिया भर में धमाल मचा पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दिसंबर में शाहरुख क्यों फेल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दिसंबर महीने की बात की जाए तो सबसे पहले 24 दिसंबर 1993 को शाहरुख खान की फिल्म डर रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 74 लाख की शानदार कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद दिसंबर में रिलीज होने वाली उनकी अगली फिल्म 1995 में आई, जो थी त्रिमूर्ति। लेकिन शाहरुख खान इस बार वो कमाल नहीं दिखा पाए जो पहली बार दिसंबर में दिखाया था। अब बारी आती है 14 दिसंबर 2001 में आई कभी खुशी कभी गम, 55 करोड़ 65 लाख की कमाई कर सुपरहिट रही। फिर दिसंबर के महीने में ही एक और फिल्म रिलीज करने का फैसला लिया, 2004 में आई स्वदेश, बुरी तरह से पिट गई। दिसंबर में रिलीज होने वाली पहली चार फिल्मों में जहां शाहरुख खान के नाम एक ब्लॉकबस्टर और एक सुपरहिट रही, तो वहीं दो फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद 12 दिसंबर 2008 में अनुष्का शर्मा संग शाहरुख ने रब ने बना दी जोड़ी में वापसी की, जिसने काफी धमाल मचाया और सुपरहिट रही। अब बारी 2011 में आई डॉन 2 और 2015 में आई दिलवाले की, जिसमें से एक फिल्म हिट रही और दूसरी फिल्म सेमी हिट तक ही पहुंच पाई। हालांकि 21 दिसंबर 2018 में जीरो के साथ किंग खान आए जरूर, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें सिनेमाघरों में नकार दिया। ये बिग बजट फिल्म 100 करोड़ की कमाई भी नहीं कर सकी। शाहरुख खान की दिसंबर में अब तक 8 फिल्में रिलीज हुई, डंकी उनकी 9वीं फिल्म है, 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। और ऐसे में किंग खान के दिसंबर वाले रिकॉर्ड को देखते हुए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि डंकी को कैसे ब्लॉकबस्टर बनाया जाए। अगर शाहरुख खान को पठान और जवान वाला कारनामा फिर से दोहराना है तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए प्लान तैयार करना होगा। शाहरुख खान को 21 दिसंबर के दिन प्रभास की सलार के साथ टक्कर देनी होगी। अगर शाहरुख खान की डंकी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है तो फिर किंग खान को दिसंबर में दूसरी बार ऐसा करने में सफलता मिल जाएगी। फिलहाल बॉलीवुड के बादशाह उन्हीं स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं जो उन्होंने इस साल बाकी दोनों फिल्मों के लिए अपनाई थी। इसके अलावा फिल्म के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो खुद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी है, जिन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में दी हैं वो सभी ब्लॉकबस्टर रही हैं। अब देखना होगा कि हार्डी कितना कमाल दिखा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।